सो वेलकम बैक टू फ्री एरा। मैं मोनू भड़ान आपका स्वागत करता हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्री फायर के यूट्यूबर्स के बारे में। और आज के अपडेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सेकंड चैनल है मोनू भड़ाना, वहाँ पर एक वीडियो आने वाली है, काफी स्पेशल वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 10,000 डायमंड का चैलेंज, मतलब जो भी यहाँ पे जीतेगा उनको 10,000 डायमंड मिलेंगे। तो अगर आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। और अगर आपको इस तरह का कॉन्टेंट पसंद आता है तो आप फीडबैक दे सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो कल ज्ञान गेमिंग अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, जहां पर बताया कि उनकी हेल्थ अभी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। और इस वीडियो का टाइटल था ज्ञान सूजन इज कोविड पॉजिटिव। तो यहां पर ज्ञान गेमिंग ये बताया कि उनको कोरोना तो नहीं है, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स होते हैं वैसे कोई भी सिम्टम्स उनके अंदर अभी तक नहीं दिखे उनको, लेकिन उनका जो बुखार है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा, मतलब बढ़ते ही जा रहा है। तो गाइस आज ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। ओके गाइस, हंस ज्यादा क्योंकि मेरा बुखार कमी नहीं रहा है, 202 से नीचे कमी नहीं रहा है गैस। ओके, और दूसरी बात है इतनी दवाई खा चुका हूँ। ओके गैस, इतनी दवाई मैं खा चुका हूँ और कम नहीं रहा है, पता नहीं क्यों यार। गले में ना खांसी है, कुछ भी नहीं है, बस बुखार है और जो कम नहीं रहा है गैस। ओके, जो कोरोना अगर पता नहीं मुझे कोरोना हुआ है कि नहीं गैस, क्योंकि कोरोना होता है गैस सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कुछ ना कुछ होता है ना गैस एक्स्ट्रा, तो मेरे में नहीं है। ओके तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है एएस गेमिंग के बारे में। तो कल एएस गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पे एक चैरिटी स्ट्रीम किए थे, जहां पर काफी सारे क्रिएटर और आर्टिस्ट आए। तो यहां पर मैं आपको कुछ क्रिएटर और आर्टिस्ट के नाम बताने वाला हूं, जहां पर पायल गेमिंग, मिलिन गाबा, फुकरा इंसान, लोकेश गेमर, मैक्सटन, टू साइड गेमर, हर्ष बेनीवाल, मोस्टली सेन, स्वैगर शर्मा, इक्का पाजी एंड इनके अलावा और भी बहुत सारे क्रिएटर एंड आर्टिस्ट यहाँ पर आए थे इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कौन कौन इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किए थे एंड कौन कौन डोनेट भी किए थे। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है डैडी कॉलिंग के बारे में। तो डैडी कॉलिंग अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड किए, जहां पर कुछ ये कहे, हेलो गाइज, मैं फ्री फायर कुछ मंथ के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ, शायद ये मेरा लास्ट सीजन भी हो सकता है। हेल्थ खराब हो रही है, ना पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, ना खाना खाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ गेम खेलता हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए गेम क्विट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी डैडी कॉलिंग कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं फ्री फायर से। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है देसी गेमर के बारे में। तो कल देसी गेमर अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम करे थे एंड यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि भाई जो स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, इनके 5,000 से कम सब्सक्राइबर है, वो खुद को कैसे ग्रो करे। तो इसके बारे में बात करते हुए देसी गेमर कुछ ये कहे, वीडियो बना के डालता जा, एक दो वीडियो तेरा चलेगा ना, वायरल हो जाएगा, लाइक अच्छा खासा व्यूज आ जाएगा, उसमें सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएगा, तो क्या उस ऑडियंस को तेरे को पकड़ना है, कितने ऑडियंस क्या वीडियो पसंद करती है, उसे टाइप वीडियो डालना है, धीरे 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 होगा भाई, एक ही बार में थोड़ी ना होता है, बहुत लॉन्ग टर्म। ये यूट्यूब चैनल ग्रो करना और जिम ज्वाइन करना एक ही बात है, धीरे धीरे होगा। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है मोबाइल बनी के बारे में। मोबाइल बनी अपने यूट्यूब चैनल पे एक कोलैब Q&A वीडियो अपलोड किए गेमिंग ओरा के साथ। यहाँ पर वो बात किए इंडियन स्पोर्ट के बारे में, यानी कि फ्री फायर के स्पोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर मोबाइल बनी एंड गेमिंग ओरा काफी सारी चीजों के बारे में बात किए कि स्पोर्ट कैसे यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाया जितना ग्रो होना चाहिए था एंड इसके क्या क्या यहाँ पर फैक्टर रहे थे, इसके बारे में वो काफी डिटेल से बात किए। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है टोटल गेमिंग के बारे में। तो भाई काफी सारे लोग मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे थे कि टोटल गेमिंग ने जो अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया था रैंक पुश का, जो कि 19 घंटे से कुछ ज्यादा था, वो उनके चैनल पर प्ले अभी नहीं हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी कोई बड़ी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे होती है तो उनका जो डाटा होता है वो सेव होने में टाइम लेता है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले भी काफी बार हो चुका है। जब भी टोटल गेमिंग अपने यूट्यूब चैनल पे इतनी लंबी लाइव स्ट्रीम करती है तो वो जो लाइव स्ट्रीम होती है वो 1 से 2 दिनों के बाद उनके चैनल पर सेव होती है एंड दिखाई देती है। और अगर आपको याद हो कि पिछली बार टोटल गेमिंग की लाइव स्ट्रीम पर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक आए थे, बट अब की बार उतने लाइक नहीं आ पाए। लेकिन जो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि भाई टोटल गेमिंग की लाइव स्ट्रीम प्ले क्यों नहीं हो रही, तो भाई थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही डाटा अपडेट होगा तो वैसे ही लाइव स्ट्रीम प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है राइस्टार के बारे में। तो राइस्टार ज्ञान गेमिंग के लाइव स्ट्रीम पर खेल रहे थे एंड वहां पे उनसे पूछा जाता है कि भाई अपनी अलग आईडी से क्यों खेल रहे हो यहां पर, मतलब जो कस्टम चल रहा था वहां पर राइस्टार शायद किसी और आईडी से प्ले कर रहे थे। तो जब उनसे यहां पर पूछा जाता है अलग आईडी के लिए, तो यहां पर राइस्टार कुछ ये कहते हैं कि उनकी आईडी बैन हो गई है, मतलब जो उनकी मेन आईडी है वो बैन हो गई है। इसको अपनी आईडी कैसे मिली, किसकी आईडी से खेल रहा है, आईडी गई कहाँ से, आईडी अलग चुका, अच्छा बैन हो गया, सुपर लिंक दिया गया, लिंक पे जाके देखो एक चीज।
तो यहाँ पर इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि वो अलग आईडी से क्यों खेल रहे थे, क्योंकि वो पीसी से खेल रहे थे शायद, इसलिए वो अलग आईडी से ट्राई कर रहे थे, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद वो यहाँ पर मजाक कर रहे थे। बाकी आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस यार आज के लिए बस मेरे पास इतनी अपडेट थी, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।